नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों ने ग्रुप डी का एग्जाम दिए थे और उसका नंबर छोड़ दिया गया है, आप लोगों ने नंबर जैसा कि देखे ही होंगे दोस्तों, ज़्यादातर कैंडिडेट का जो नंबर है उसमें काफ़ी कम है, 50 से भी कम है। कई ऐसे कैंडिडेट का मेरे पास कॉल आया, यानी कि मेरा जो साथी था या हमसे जूनियर भी है कह सकते हैं, उसका कॉल आया 50 से भी कम नंबर है। ऐसा नहीं है कि तैयारी अभी 6 महीना या साल भर से ही कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ग्रुप डी का वैकेंसी कब आया था और इसका एग्जाम कब ले रहा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैंडिडेट कब से तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिर नंबर इतना कम क्यों आता है, आप लोग गलती कहाँ करते हैं और उसको कैसे ठीक किया जाए। दोस्तों आइए पहले हम लोग जानते हैं। दोस्तों ऐसे कैंडिडेट है बहुत जिसका नंबर अभी 30 से 35 नंबर आ रहा है। अब देखो एग्जाम जो हुआ है आपका ग्रुप डी का वो 100 मार्क्स का हुआ है टोटल। 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है दोस्तों, अगर उसमें 30-35 नंबर आ रहा है, 30-35 नंबर समझ रहे हैं, 100 में 30-35 नंबर, जो लड़का कंटिन्यू दिन में 1 घंटा भी पढ़ेगा डेली या फिर 2 दिन में भी 1 दिन ढंग से पढ़ेगा, उसको भी इससे ज़्यादा नंबर आएगा। 30-35 नंबर उस कैंडिडेट को आता है जो 100 में से 60-65-70 या फिर आप बोल सकते हैं 70 यानी 50+ इतना वो मार के आ जाता है, समझ रहे हैं, इतना क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करके आ जाता है और नंबर आ रहा है उसको 30 या 35। कारण यही है दोस्तों, उसको पता नहीं चलता है कितना सही है कितना गलत है, कौन क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, वो क्या करते हैं, वो निगेटिव क्वेश्चन को छू लेते हैं। कहने मतलब दोस्तों उसको जो पता नहीं रहता है वो भी छू के आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो उसके भरोसे, लेकिन वो भी आपके भरोसे है, वो भी कहता है कुछ करो, यानी कि कुछ सही करो, कुछ गलत करोगे तो उसका गलत ही परिणाम मिलेगा। दोस्तों आप निगेटिव मार के आ जाते हैं, 30-35 नंबर इसके वजह से आता है। जो निगेटिव क्या होता है आपको ही पता है, निगेटिव मारेंगे जो क्वेश्चन में सही है उसके थ्रू निगेटिव के चलते वो भी कट जाएगा, समझ रहे ना। तो इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो कैंडिडेट नहीं कर पाते और जो कर पाते हैं उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाते हैं। सबसे पहला अटेम्प्ट आपका होना चाहिए निगेटिव को कंट्रोल करना कैसे सीखे, उसको करना बहुत जरूरी है, ठीक ना। वही कैंडिडेट है जो निगेटिव मार के आते हैं उसी का नंबर इतना आता है, हमको पता है। जिस कैंडिडेट का नंबर 30-35-40 आ रहा है वो 30-35-40 या 50 क्वेश्चन करके नहीं आए हैं, वो उससे ज़्यादा करके आए हैं, लेकिन उसका उसको आंसर नहीं पता है, गलत मार के आया है, इसके वजह से उसका नंबर इतना आ रहा है, ठीक ना। तो जाहिर है इसका सिलेक्शन नहीं होगा। 35-40 बंदे का भी सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन, जो इसका रिएक्शन वही इसका रिएक्शन है, ठीक ना। 40-50 देखो, 40-50 के बीच में भी अगर आपका नंबर आ रहा है दोस्तों तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। देखो यहाँ पर अगर हम अभी बोलेंगे कि आपका रिजल्ट होगा, या बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो होगा ऐसा, ठीक ना, आपका नॉर्मलाइज करके ये वो करके हो सकता है आप आ जाएगा, आप मतलब कि शेयर मत होइए, ठीक ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, आप लोग को पता है नहीं पता है हम बोल देते हैं, 40-50 में आपका नंबर नहीं रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप डी में दोस्तों फाइनल आपका एक ही एग्जाम होता है, उसके बाद देन फिजिकल होता है और पीटी जो होता है इसका, सारे कैंडिडेट लमसम पास करते हैं। अगर 100 का पीटी लेगा तो हम बोल सकते हैं 90 को कैंडिडेट पास ही करेगा, कोई चांस नहीं है उसको फेल करने का, समझ रहे ना। इसीलिए आपका जो है 40-50 में नहीं होगा। कैसे इसको इंप्रूव करना हम बात करेंगे। 50 साल के बीच में अगर 50 तक आ रहे हैं आप, अगर 50 तक आ रहे हैं तो फिर आप नहीं, आपका रिजल्ट नहीं होगा आज के डेट में, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक ना। और ये सब जो है 50 है या 40 है, समझ रहे ना, इसका बस वही है, सब सारे कैंडिडेट निगेटिव मार्क आए हैं जिसके वजह से उसका नंबर इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा, ठीक ना। अब देखो 60-65 के बीच जो है, जो कैंडिडेट 60+ करके आ रहा है उसका कहीं कहीं चांस है। अब देखो उस बोर्ड के में कितना फॉर्म, कितना सीट है, कितना फॉर्म गिरा गया है, ठीक ना। अब उसमें ऐसे अगर 60-65 आ रहा है दोस्तों, अगर 60-65 के बीच में आ रहा है, अगर आपने यहाँ पर गलती कम किए होंगे, सपोज दैट 60 नंबर आ रहा है, ठीक ना, और अटेम्प्ट किया आपने 70, तो कितना रॉन्ग किया आपने, 10 को रॉन्ग हुआ। देखो नॉर्मलाइज जब होता है ना, जो आप एग्जाम देते हैं, जब नॉर्मलाइज होता है दोस्तों, तो आप जब निगेटिव कम लेते हैं तो आपका नंबर ज़्यादा बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। जब नॉर्मलाइज होता है, जब आप निगेटिव कम लेते हैं तो नंबर आपका ज़्यादा बढ़ता है, अगर ज़्यादा निगेटिव करते हैं तो नंबर वहाँ पर आपका कम दिया जाता है या फिर नाम मात्र के बराबर दिया जाता है।
ठीक ना। तो यहाँ पर हो सकता है नॉर्मलाइज करके आपको 70 या 75 पहुंचा दे, इतना पहुंचा देगा तो फिर आपका रिजल्ट हो जाएगा। यानी कि 60 से जो ऊपर का निरेट है या फिर 70 75 के बीच जो ओरिजिनल नंबर ला रहे हैं, जो 70 नंबर तक ओरिजिनल नंबर ला रहे हैं, वो बंदा मोटा मोटी सेफ है, उसको कोई डर नहीं है, ठीक ना। 75 वाले को तो बिल्कुल सेफ ही रहना चाहिए, उसको पीटी का तैयारी करना चाहिए, ठीक ना। 75 से ऊपर जो भी कैंडिडेट है, 75 80 जो भी कैंडिडेट ला रहे हैं, उसको पीटी का तैयारी करना चाहिए, ठीक ना। दोस्तों हम मेरा ये तो आप लोग को ही पता है क्या होगा, मेरा मकसद यहाँ पर ये है दोस्तों, इसके जरिए हम कुछ आप लोगों को बताना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, उसको जरूर सुनिएगा। पहला कैंडिडेट, पहला जो हमारा अटैम्प्ट रहना चाहिए दोस्तों, जब आप सेट लगाते हैं, हम इसीलिए बोलते हैं ना, आप जब मेन एग्जाम, जैसे भी आपका ग्रुप डी का नंबर छोड़ा गया, ये मेन एग्जाम हुआ आपका, उसी तरह जब आप सेट लगाते हैं दोस्तों, उसी सीरियस के साथ, उसी मूड के साथ आप सेट देने बैठिए, ठीक ना। सेट लगाइए, अगर आप सेट नहीं लगाते हैं तो आपको नहीं पता चलता है कि हम कितना पानी में हैं, हम क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं, कितना पर है, कितना माइंड में रहा, वो नहीं पता चलता, इसीलिए बोलते हैं सेट लगाओ डेली, ठीक ना। देखो पहला आपको क्या करना है दोस्तों, निगेटिव को रोकना है, किसी भी कंडीशन में जो निगेटिव है हमको, इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए मात्र एक ही उपाय दोस्तों, आप जो है क्या करना है आपको, एकदम कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोशिश करो अगर एक घंटा का टाइमिंग के अंदर सेट बनाते हैं ना, उसमें हमको उसी क्वेश्चन को पहले हल करना है, जिस क्वेश्चन को हम जान रहे हैं, पूरा दम लगा दो उसको सॉल्व करने के लिए। सपोज दैट कि 100 में से आपने 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे, देखो अगर 100 में से आपको 30-35 नंबर आ रहा है तो हम क्या बोले, जरूरी नहीं है कि आपने इतना ही अटेम्प्ट किया, आपने 50-60 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक ना। अगर 50 क्वेश्चन 100 में से 50 जान रहे दोस्तों, पहले कोशिश करो इसी 50 को सॉल्व करेंगे। एक नंबर में पहला क्वेश्चन हम जान रहे हैं, फिर 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन है जो आप जान रहे हैं, तो हम उसको चाहे वो मतलब क्या करेंगे, उसको स्किप कर देंगे, सीधा 5 नंबर पे जाएंगे, 5 नंबर को हम क्वेश्चन को देखेंगे। इस तरह करके आप 50 को बनाओ, देखना इससे क्या होगा, इससे क्या होगा ना, आपके पास टाइम कम बचेगा। अब जब कम टाइम बचेगा, अब 50 क्वेश्चन में से ऐसे क्वेश्चन है जो आप निगेटिव मार के आते हैं, इसका मतलब दोस्तों ये है, वो कभी कभी आप पढ़े हैं, उसको कभी कभी आप देखे हैं, इससे क्या होगा कि आपके पास टाइम कम मिलेगा। टाइम जब कम रहेगा तो आप जब कंफ्यूज, जिस क्वेश्चन पे आपको कंफ्यूजन रहता है, उस क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं तो उस पर टाइम देते हैं, उस पर था सोचते हैं, लगता है ये होगा, ये होगा, ये होगा कि नहीं होगा, हाँ शायद ये हो सकता है, मतलब वहां पर ये चीज करें, आपका टाइमिंग थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाता है, समझ। इसमें क्या होगा, आपका निगेटिव रुक जाएगा, आप जहां 15 निगेटिव करते होंगे वहां पर क्या होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये होगा, ये चीज क्लियर हो गया, नेगेटिव को कैसे रोकना है। दूसरा बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब आपने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो कोशिश कीजिए नेगेटिव जो है 10% हो, अगर आपने 60 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो नेगेटिव 10% हो, यानी कि 50 का 10% 5 नेगेटिव, 60 का 10% 6 नेगेटिव, इससे ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव तो होगा 100% है, जो पढ़ेगा वही भूलेगा, ठीक ना, निगेटिव होगा। तो सार कि जितना भी करेंगे आप उसका 10% निगेटिव होना चाहिए, क्लियर हो गया। अब देखिए इसको कैसे मजबूत करना है, हमको क्यों आखिर इतना क्यों कम नंबर आ रहा है, सब कोई पढ़ रहा है, सबके पास 24 घंटा मिल रहा है, सब हर कोई सिलेबस को पढ़ रहा है, हर कोई टॉपिक को पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों। देखो एक तो होता है कैंडिडेट सीरियस नहीं है, वो होता है ना जब बरसाती में ढक बारिश पड़ते ही निकलता है टॉटक करना चालू, वो ऐसे कैंडिडेट भीड़ में बहुत हैं। जो रेगुलर कैंडिडेट हैं वो 60 प्लस नंबर हमेशा लाएगा, वो किसी भी तरह का सेट देगा, वो लाएगा ही लाएगा, ठीक ना, या फिर 50-55 के बीच में रहेगा, या ज़्यादा सेट अगर टफ है तो, लेकिन उसका जो नंबर है दोस्तों वो हमेशा 60 प्लस ही रहेगा। तो कंटिन्यूस लगे रहना सबसे बड़ी बात है, जो कैंडिडेट नहीं लगे रहते हैं, देखो हम आपको ऐसे बताते हैं, आपके गांव में कोई दुकान है, ठीक है, आप उसके यहाँ से 10 रुपये का कोई सामान ले आए और वो सामान जो है अंदर से खराब निकल गया, आप को देखना ध्यान देना, आप दोहरा के उस दुकान में नहीं जाएंगे, या फिर कोई भी सामान लाता होगा तो वो नहीं जाएगा, ठीक ना। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि आपको वहाँ पर जो है गलतियाँ जो है, या फिर आप समझ सकते हैं लॉस जो है, वो आपको तुरंत पता चल जाता है, भाई हमने इसके यहाँ सामान लिया देखो खराब आ गया, क्या लेंगे इसके यहाँ सामान, वो आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पर क्या है कि आप जब पढ़ाई करते हैं दोस्तों, 1-2-3-4 साल लगाते हैं, उसके बाद जाकर के कोई एग्जाम देते हैं आप, वहाँ जाकर के आपको रिजल्ट पता चलता है, यानी कि इतना लेयर से जो रिजल्ट का पता चलता है, इस बीच में आप क्या कर रहे होते हैं, कितना गलतियाँ कर रहे होते हैं, आप क्या क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों का आप ख्याल नहीं रखते हैं, आप भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमको कुछ पाना है अपने लाइफ को, कुछ
करना भी है अपने लाइफ में, ये चीज आप भूल जाते हैं, आप गलत वे में चलने लगते हैं, जिसके वजह से ये आपका स्थिति हो जाता है। इन चीजों को अगर मेंटेलिटी आप अगर ढंग से अगर ठीक कर लें तो आपका जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। दूसरा बात दोस्तों ये है, बहुत सारे कैंडिडेट उस चक्कर में फंस जाते हैं, जैसे कि जैसे कोई वैकेंसी आती है तो उस टाइम क्रैश कोर्स चल जाता है, ग्रुप डी के लिए क्रैश कोर्स, एएलपी के लिए क्रैश कोर्स, या फिर आपका एसएससी के लिए क्रैश कोर्स, जिस भी चीज़ का तैयारी करते हैं। दोस्तों हम ये आपसे पूछते हैं, अगर क्रैश कोर्स में आप जाते हैं तो आपको क्या समझ में आएगा? क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। जो कैंडिडेट पढ़ के रखा है, ढंग से पढ़ के रखा है, उसको क्लियर समझ में आएगा और वो कैंडिडेट नहीं जाएगा। क्रैश कोर्स का मतलब होता है दोस्तों क्रैश रिजल्ट, समझ रहे हैं? आपका रिजल्ट जो है वो क्रैश हो जाता है। इसीलिए दोस्तों उन सब चक्कर में नहीं फंसना है आपको, उसके लिए क्या करना है आपको, कंटिन्यू आपको लगे रहना पड़ेगा और इनसे सीख लीजिए। जब आपका नंबर इतना कम आता है तो एक होता है इंसान, देखो इंसान दो टाइप का मेंटेलिटी अभी यहाँ पे होगा, एक होगा इसमें इतना कम नंबर आया चलो घर से प्रेशर है, या फिर अपना बोलता है ना इज्जत बचाने के लिए चलो सुसाइड कर लेते हैं, मर जाओ किसी के सामने हम आएंगे नहीं, या फिर चलो अब कुछ नहीं रहा मेरे जिंदगी में, सारा जो था सारा कुछ खत्म हो गया, अब सारा कुछ डूब गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, चलो अब तो हम बिंदास हैं, अब हमारा क्या कुछ भी नहीं, दारू रुपये अगर तल्ली होगा घूमेगा मस्त। ऐसा नहीं है दोस्तों, जब आपका बोलते हैं सबका खराब समय चलता है, जब ऐसा स्थिति आता है तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो कुछ सच में रियल में कुछ पाना चाहता है, वो उससे ज़्यादा जितना वो मेहनत करता था उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करना चालू कर देता है। वो देखता है कि हमारे अंदर क्या कमजोरियाँ थी, कहाँ कमजोरियाँ हैं, उसको ठीक करना वो चालू कर देता है धीरे धीरे। वो इन चीज़ों को भूल नहीं पाता है, मेरा रिजल्ट हो गया मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, उनका रिजल्ट हो गया, मेरे साथी का रिजल्ट हुआ, वो इन चीज़ों को नहीं भूल पाते हैं और उसके चलते वो उससे भी कई गुना ज़्यादा मेहनत करता है और उससे बढ़िया बढ़िया एग्जाम का रिजल्ट देता है। तो आपको यही करना है दोस्तों, अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप अपने अंदर देखिए क्या चीज़ आपके कमजोरियां हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, उनको सुधार कीजिए। और अगर इतना नंबर आ रहा है तो हम 100% दावे के साथ बोल सकते हैं ना तो आपका मैथ अच्छा है, ना तो आपका रीजनिंग अच्छा है, ना तो आपका जीएस अच्छा है, ना तो आपका जीके अच्छा है, और ना ही करंट अच्छा है। जब ये सब अच्छा नहीं है तो करंट भी अच्छा नहीं है, क्योंकि करंट में डेली अपडेट रहना पड़ता है और जो सिलेबस पहले से बंधा हुआ है उसमें आप अपडेट है ही नहीं तो करंट में कहाँ से रहेंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम के लिंक के जरिए 300 कैंडिडेट मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ गया है, वहां पर डेली टेस्ट होता है। अब यकीन नहीं कीजिएगा, उस 300 कैंडिडेट में से मात्र 10 या 12 कैंडिडेट ही डेली अपडेट रहते हैं, टेस्ट लगाते हैं और उसको देखते हैं। इसका मात्र वजह वही है दोस्तों कि वो 300 में से 12 यानी कि 288 कैंडिडेट वो देखने वाले हैं, वो भीड़ हैं, उसको नहीं पता है हम कर क्या रहे हैं। उसको पता तब चलता है जब उसका एग्जाम आने के बाद जब रिजल्ट आता है और इतना नंबर आता है तो उसको पता चलता है, उसके बाद भी वो गौर नहीं करता। हो सकता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो 2 मिनट या 2 घंटा या 2 दिन के लिए वो शेयर मतलब कि वो बोलते हैं ना कोमा में चला जाना, वैसा टाइप का हो जाएगा, लेकिन फिर वो बिंदास वो मजे में आ जाता है, तो उनका कुछ नहीं होने वाला है। अगर सच में आप दोस्तों पाना चाहते हैं, रियल में आपको चाहिए ही चाहिए, आपको कंटिन्यू लगे रहना है और ये सीख यहाँ से लीजिए आप। अगर हम क्या बोलें, अगर आपके अंदर कमजोरी है उसको ठीक करने का कोशिश कीजिए दोस्तों। अगर मैथ में हम देखा जाए इसका सिलेबस जो है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस करंट है दोस्तों, मैथ में 25 में से अगर 20 भी करके आते हैं आप, जो ओरिजिनल कैंडिडेट है वो 20 से 22 करके आएगा, ठीक ना। अब रीजनिंग में 25 में से भी 20 से 22 करके आएगा जो ओरिजिनल कैंडिडेट है जो लगा रहता है। जीके जीएस अगर 40 पूछता है तो 32 से 35 करके आना है, सॉरी गलत लिख दिया हम, 32 से 35 नहीं बोल सकते हैं यहाँ, 30 से 32 बोल सकते हैं या 33 बोल सकते हैं, ठीक ना, 32 बोल सकते हैं, 30 से 32 हाँ, या 30 ही लाने दो, ठीक है, 25 से 30 बोल सकते हैं, 25 से 27 हाँ, 25 से 27 ऐसा बोल सकते हैं, ठीक ना। 35 पूछ रहा है तो 22 से 25 ले लो आप, करंट अगर 10 पूछ रहा है तो 100% 8 मार के आएगा, क्योंकि हम भी मारे थे और मेरे जो शिफ्ट में लड़का लोग था, जो मेरा साथी था जो अच्छा खासा करके गया था वो मारा था, ठीक है। अगर 15 पूछेगा तो 12 से 13 करके आता है लड़का, ठीक ना, करंट को नहीं छोड़ता है, करंट ना छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ेगा किसी हालत में नहीं छोड़ेगा, ठीक ना। तो दोस्तों अगर इतना भी करते हैं आप, हमने जोड़ा अभी इसको कैलकुलेट किया था, 20 20 40 दोस्तों यहाँ हो जाता है, अगर 25 यहाँ पे करते हैं दोस्तों तो 65 हो जाता है, और 8 यहाँ से करते हैं तो 65 और 8 8 5 13 73 हो जाता है दोस्तों। अब सोचो आपने कि ये जो हुआ
बिना निगेटिव का आंसर आया मेरा। हमने अभी इसमें निगेटिव नहीं ऐड किया है, निगेटिव ऐड करेंगे तो 7 और या 10 आगे भाग सकता है, 80, 83, 85 आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों इस तरह से आपने क्या किए, इतना नंबर आया जो मेरा ओरिजिनल नंबर था। हाँ, लेकिन दोस्तों अगर आपने इतना इतना नहीं करते हैं तो वही कैंडिडेट, हाँ, 50-60 जो मारता है वो गलत मार के आता है, उसको पता नहीं रहता है आंसर का, फिर भी वो टच करके आता है। ये सबसे बहुत बड़ा गलती है जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक ना। इसलिए दोस्तों हमने आपको आपकी कमजोरियां दिखा दी हैं कि आपने कहां आप जो कमजोरी है आपका वो कहां छुपा हुआ है। अब इसको ठीक करना है दोस्तों, इसका ठीक करने के लिए कुछ टाइम टेबल बनाइए अपना, कुछ टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल का मतलब दोस्तों एक होता है, इंसान के लिए वो सोचते रहता है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, दिन भर वो सोचने में टाइम उसका खत्म हो जाता है। वैसा नहीं, आप फिक्स करो कि हमको अगर हमारे पास 10 घंटा टाइम है, उस 10 घंटा के अंदर में एक टाइम बनाओ दोस्तों, टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाओ। आपको 12 घंटा मिलता है, 8 घंटा मिलता है, 6 घंटा मिलता है, ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि एक एक समय का, एक एक सेकेंड का, एक एक मिनट का यूज होना चाहिए, ठीक ना। उसमें टाइम के अंदर फिक्स करो कि 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, आधा घंटा केमिस्ट्री पढ़ लें, आधा घंटा फिजिक्स पढ़ लें। जो सिलेबस सबसे अच्छा है, सबसे मजबूत है, उसको कोशिश करो कम समय देने का, आधा घंटा। लेकिन देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, देंगे, आधा घंटा दो, 15-20 मिनट दो, इस टाइप का दो। जो ज़्यादा कमजोर है उस पर ज़्यादा फोकस करो, उस पर ज़्यादा एफर्ट डालो, तभी आपका कमजोरी ठीक होगा। और दोस्तों हमेशा आप लोग बोलते हैं कि ये बुक पढ़ने से क्या एग्जाम निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं कि शॉर्टकट रास्ता मंजिल तक पहुंचने का नहीं है, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कंटिन्यूस लगातार चलते रहना पड़ता है, तब जा करके आप पहुंचते हैं। शॉर्टकट से मात्र आपको असफलताएँ मिलेगी, हाँ, समझ रहे हैं ना। इसीलिए दोस्तों उनसे बचना है आपको, और हमेशा टाइम टेबल एक आज से अभी से अगर इस वीडियो का आप वॉच करके सच में आप सीरियस हो गए हैं, अभी टाइम टेबल बनाओ, आपको जितना समय मिलता है उसके अकॉर्डिंग काम करो, आप जरूर सफल होंगे। हाँ, और जैसा कि बोले दोस्तों निगेटिव को रोकने का क्या उपाय है, उनको भी कॉपी में नोट कर लेना। सिलेबस जो है आपका, आपको पता ही है, उसके अकॉर्डिंग आपने टाइम टेबल बना लो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करेंगे ये सारी चीज़ समझे होंगे, और वीडियो को उन कैंडिडेट तक जरूर पहुंचाइए जो कैंडिडेट कंपटीशन के क्षेत्र में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।